सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप देख रहे हो ऑर्डर एक्सपर्ट सोलंकी की एक और नई वीडियो। माना कि भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आ रही है क्योंकि भाई कुछ मतलब चैनल ना भाई टोटली डेड हो गया था, तो भाई मैंने थोड़ा जो है चैनल को रेस्ट दिया था। अब जो है वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ इस चैनल पर, तो भाई चैनल पर सपोर्ट बनाए रखना। तो भाई ये है इनोवा क्रिस्टा 2018 2.4Z ऐसा इसका जो है मॉडल है। तो भाई इसके बारे में जो है आज हम इस वाली वीडियो में बात करने वाले। नंबर प्लेट हमने जो है छुपा दी है क्योंकि भाई कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। तो भाई चलिए बात करते हैं आगे के लुक के बारे में। तो भाई ये है इस इनोवा की चाबी जो कि 2018 में हमको ऐसे देखने को मिलती थी। पूरी तरीके से जो है अपने कीलेस एंट्री भी जो है इसके अंदर मौजूद है क्योंकि भाई इसके अंदर जो है सेंसर आगे लगा हुआ है। जेब के अंदर चाबी रखनी है और पुश स्टार्ट स्टॉप वाला जो है बटन इसके अंदर जो है अवेलेबल हो जाता है अपन को। तो भाई सिर्फ चाबी अपन को जेब में रखनी है या फिर आप गाड़ी में रख सकते हो, बस बाहर आओ तब जो है चाबी आप अपने साथ लेके आना, वरना आपकी गाड़ी जो है चोरी हो सकती है। तो भाई सबसे पहले जो है आगे के फेशिया के बारे में बात करेंगे। तो आगे में जो है पूरा आपको जो लाइटिंग सेटअप है वो इस हिसाब से देखने को मिलता है। और भाई ये है ना भाई पूरी तरीके से मतलब हेलोजन ही है और इसके अंदर प्रोजेक्टर है वो भी हेलोजन है और जो साइड में जो हाई बीम वाली जो लाइट होती है वो भी हेलोजन ही देखने को मिलती है। और नीचे में जो है आपको फॉग लैंप मिलता है, प्लस जो आपको इंडिकेटर की जो असेंबली होती है वो आपको देखने को मिलती है। ये जो है क्रिस्टा की ग्रिल आती है आपको टोयोटा के लोगों के साथ में, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और भाई ये ना सबसे ज़्यादा टूरिंग पर्पज़ और भाई जो लॉन्ग ड्राइव वगैरह जो करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है बेस्ट गाड़ी एक तरीके से आप जो है मान सकते हो, कंसीडर भी कर सकते हो भाई। ये भाई जो अभी वाली क्रिस्टा आ रही है और जो पहले आती थी मतलब कंफर्ट ना एक लेवल का है, सेम है और मज़ा आता है इसको चलाने का। तो भाई साइड प्रोफाइल से अगर आप बात करोगे तो इस हिसाब से जो आपको गाड़ी देखने को मिलती है और भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अलॉय व्हील्स का जो है ऑप्शन आपको जो है साथ में देखने को मिलता था। और भाई अगर आप टायर साइज़ की अगर आप बात करोगे तो भाई इसका टायर साइज़ है 17 इंच का, मतलब जो आपको अलॉय व्हील साइज़ मिलता है 215/60, मतलब 60 की ये प्रोफाइल है, 215 U विड्थ में जो है आपको ऐसा देखा जाता है। और आगे की तरफ जो है आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है और जो टायर के ऊपर है वो आपको टोयोटा का जो है शानदार वाला लोगो देखने को मिलता है। तो भाई पीछे से अगर आप इनोवा क्रिस्टा का लुक के बारे में बात करोगे तो कुछ इस हिसाब से 2018 में जो है आपको देखने को मिलता था और भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। बस MUV वाली जो है लुक इसमें आ जाती थी और पीछे से ना पूरा लाइट जो है आपको हेलोजन ही देखने को मिलती थी। इनोवा के लोगों मतलब जो टोयोटा का लोगो है उसके साथ में इनोवा की ब्रेजिंग आपको देखने को मिलती थी और भाई पूरा जो लाइटिंग सेटअप है वो पूरी तरह से हेलोजन था। बट जो है आपको ये हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो होता है वो आपको जो है LED वाला देखने को मिलता था। और भाई पीछे की तरफ वाइपर और जो है आपको डिफॉगर वगैरह की सारी प्लेसमेंट आपको देखने को मिलती थी। पीछे की तरफ रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको जो कि है पूरी तरीके से दो ही है, इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से दो पार्किंग सेंसर होता नहीं है वैसे, पर फिर भी इनोवा ने जितने दिए उतने भी ठीक है। नीचे पैर घुमा तो भाई इसके ऐसे ये करते हैं ना भाई, तो ये ऐसे ये बूट जो है खुल जाता है, बस आपको ये वाला बंदा है जो है कैरी करना पड़ता है। 1500 रुपये लेता है एक बार के। तो भाई ये इसके हेडरेस्ट ऐसे आपको देखने मिलते हैं, ये जो है आप इसको, तो भाई ये जो है इसका बूट है मतलब ना के बराबर ही मानो, मतलब फॉर्च्यूनर से तो ज़्यादा ही है। और भाई इसके अंदर लगभग आपके फुल साइज दो बैग आ सकते हैं और ऊपर से ऐसे भर दोगे तो भाई 3-4 बैग जो है आप ला सकते हो। और भाई इसकी जो है ये वाली रस्सी खींचोगे तो ये जो है टंबल भी हो जाएगी और ये जो है ऊपर भी हो जाएगी, तो भाई ये वाली चीज़ जो है एक बन जाती है अगर आपको बूट ज़्यादा कैरी करना है और 4 जने ही जो है आप ट्रैवल। तो भाई चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं और भाई आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो है अपनी चाबी जेब के अंदर रखनी है और ये जो है आपकी गाड़ी, ये जो है आप ऐसे लॉक अनलॉक भी जो है कर सकते हो। और भाई इसके अंदर जो आपको ऐसे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का जो है ऑप्शन आपको देखने मिलता है। और डोर पैनल की अगर आप बात करोगे तो डोर पैनल में जो आपको चारों पावर विंडो वो भी 1 टच वाली जो है मिल जाएगी, लॉक अनलॉक का बटन। और भाई आप यहाँ से विंडो जो है लॉक भी कर सकते हो पीछे वाली, और ORVM के एडजस्टमेंट यहाँ से आप कर सकते हो, मतलब अगर इग्निशन चालू होगा तो। यहाँ पर जो है आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी, यहाँ पर जो है आपको क्रोम फिनिश मिलेगी देखो मिलता है आपको, यहाँ पर जो है आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलता है और नीचे आपको स्पीकर और ऊपर जो है आपको ट्विटर देखने को मिलता है। तो भाई हम जो है इनोवा क्रिस्टा के अंदर आ चुके हैं। भाई ये जो रीडिंग आप देख के पता लगा सकते हो भाई ये डीजल मॉडल है और इसके अंदर बीच में जो आपको छोटी सी डिस्प्ले आपको जो देखने को मिल जाएगी और
200 तक जो है इसकी मार्किंग है और आधी टंकी जो है इसके अंदर अभी बची हुई है। इको मोड और जो है ड्राइव मोड इसके अंदर आते हैं, पावर मोड आता है, आप जो है यहाँ से आप स्विच कर सकते हो। और इको मोड पे जो हमने लगा दी वापस, पैसेंजर एयरबैग वगैरह की सारी वार्निंग इधर आपको देखने मिलती है। और ये जो आपको पूरा डिज़ाइन ऐसे देखने में मिलता है, अच्छा खासा देखने में मिलता है। और बीच में जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसके अंदर एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों भी जो है आपके काम करते हैं। और भाई इसकी एवरेज देखोगे 2.4 लीटर का इंजन है, बट जो है आपको एवरेज 14 की मिल रही है। ये भाई काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि भाई ये इको मोड पे ज़्यादातर रनिंग होती है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा सही जो है इसका मतलब है दिखने करने में। और सीडी प्लेयर भी जो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, अगर सीडी होगी तो अंदर से बाहर आ जाएगी। और तो भाई इसके अंदर एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो नहीं आता भाई, ये थोड़ा जो है करेक्शन अभी जो हम कर लेते हैं। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो आपको देखने मिलता है रियर का और फ्रंट का, और ये वाला ऑटो कर देंगे तो अपना आप जो है ये का हो जाएगा। इसको अभी जो है हम ऑफ़ कर देते हैं। सारी ये चीज़ें आपको देखने मिलती है, ये हैज़र्ड लाइट का बटन है, यहाँ पर जो आपके कप होल्डर वगैरह जो है आपको देखने को मिल जाता है। और भाई इसके अंदर सबसे प्रीमियम क्या लगता है भाई, ये इसका वुडन जो फिनिश है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और भाई देखने करने में मस्त लगती है। और इसके दो मतलब सामान रखने की जगह यहाँ से, और ये डिसेंट स्पेस है पर अच्छा खासा स्पेस है। इसके अंदर जो आपको मैनुअल वाला जो है IRVM जो इसको मिलता है, मतलब डे नाइट वाला जो होता है, ये जो आपकी वैनिटी में लाइट और ये मिरर आपको देखने मिलता है ड्राइवर साइड, और को ड्राइवर साइड भी होगा ही, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको सनग्लास होल्डर देखने मिलता है, ये भाई इसके अंदर जो है एम्बिएंट लाइटिंग टाइप में जो है आपको देखने को मिलता है, पूरा हेलोजन जो है इसके अंदर लाइटिंग सेटअप आता है, ये आप ऐसे बंद कर सकते हो चालू कर सकते हो। तो भाई इसके अंदर जो है एम्बिएंट लाइटिंग भी जो आपको देखने को मिल जाती है, ये देखो आप पैरों में, और यहाँ पर भी जो आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो आपके क्रूज कंट्रोल वगैरह सारे के फीचर जो आपको सेट करने का ऑप्शन जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपके इसके रिलेटेड सारे कंट्रोल है, यहाँ पर इसके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके रिलेटेड सारे कंट्रोल जो है आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपके 5-स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, और भाई इसके अंदर हैंड ब्रेक है जो मैनुअल है, और आपके जो है स्टोरेज स्पेस भी जो है आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इसके पेन ड्राइव और जो है ऑक्स लगाने का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। ये भाई आप एनिमेशन देखना, ये जो इनोवा बन के आता है ना भाई, ये काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है। तो भाई इसके अंदर टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों जो है आपको स्टेयरिंग एडजस्टमेंट का जो है ऑप्शन आपको देखने मिलता है, जैसे आप इसको ऐसे हटा दोगे ना नीचे लॉक आता है, तो आप ये ऐसे और अंदर बाहर ऐसे जो है आप कर सकते हो। तो भाई पीछे में जो आपको ये आपको वुडन फिनिश मिल जाएगी, क्रोम हैंडल्स, लॉक, ये मतलब लॉक वगैरह, ये ऑटो विंडो, ऑटो अप, ऑटो डाउन वगैरह, मतलब सारी चीज़ें आपको मिलती है। या फिर जो आपको सिल्वर फिनिश मिलती है, या फिर आपको बटन होल्डर और जो है मैगजीन होल्डर मिलता है, और इसके नीचे जो आपको स्पीकर सिस्टम भी देखने को मिलता था। और भाई इसकी अगर आप बात करो तो भाई इसके अंदर ये वाली जो है ट्रे आपको मिलती थी पीछे, बाई चांस आप बैठ के खाना वगैरह खाओ तो ये वाली सारी चीज़ आपको मिलती थी। ये जो आपको कप होल्डर मिलता था ये ऐसे, और आप इसको बैक करना है तो ये ऐसे अंदर हो जाते हैं। 10 kg की जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, और भाई इसकी आपके चार्जिंग सॉकेट, और ये मतलब 12 वोल्ट और 120 वाट्स का है, मतलब फास्ट चार्जर आप जो है इसके अंदर लगा सकते हो। ये पेंडे वगैरह लगाने का सिस्टम मैंने जो है आपको बता ही दिया है। यहाँ पर एक बॉस मोड आता था भाई, आप इसको जो है आगे कर सकते हो, अगर आपके पीछे जो है बड़े आदमी बैठे तो ये बॉस मोड के हिसाब से जो आपके काम करता था, आप इसको वापस से पीछे जो है ला सकते हो। तो भाई इसके अंदर जो है 6-सीटर वाला ये जो वेरिएंट है, इसके अंदर आपको यहाँ पर भी जो है कप होल्डर वगैरह देखने मिलते हैं। ये सारी सीटें ना भाई एडजस्टमेंट वाली है, मतलब नीचे ये डंडी दी हुई ना, तो आगे पीछे आप जो है पीछे के लेग रूम के हिसाब से जो है बैठ सकते हो। तो भाई इसके अंदर जो आपको यहाँ पर भी जो है क्लाइमेट कंट्रोल करने का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाता था। यहाँ पर भी जो आपको एसी के वेंट्स मिलते हैं, आगे भी मिलते हैं। और भाई आप लेग रूम देखोगे ना भाई, मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मतलब ये इनोवा की ये एक सबसे खास बात है भाई, आप जो है कंफर्टेबली जो है लास्ट रो के अंदर भी जो है आप बैठ सकते हो। और भाई ये आपके एडजस्टमेंट करने का जो सारा ऑप्शन मिलता है, ये जो पोर्ट होल्स के ऊपर से आप जाओगे तो ये वाला जो सारा सामान आप जो है यूज़ में ले सकते हो। और भाई हेलोजन लाइटिंग आपको मिलती है, और रीडिंग लैंप्स भी जो आपको हेलोजन ही देखने को जो है मिलते हैं। Close before all is said and done.
We'll be right back.